नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिर सात फेरों में बंधने जा रही है प्रीता इस समय अर्जुन के साथ में। हालांकि ऋषभ ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि प्रीता अपने आप को फिलहाल तुम सेव करो, मैं अर्जुन को देख लूंगा, क्योंकि अर्जुन को मुझे देखना बहुत अच्छी तरीका से आता है। अर्जुन की मनमानी बहुत हुई, अब मेरे परिवार पर किसी भी तरीका की अर्जुन मनमानी नहीं कर सकता, मैं अर्जुन के खिलाफ केस करूंगा। जी हाँ, ये सब कुछ बोल चुका है, लेकिन अर्जुन ने सब तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी, क्योंकि अर्जुन जानता था कि इतनी जल्दी ऋषभ जो कि हार नहीं मानेगा और ना ही प्रीता हार मानने वाली, इसलिए इनके लिए पहले से ही कोई ना कोई जुगाड़ मुझे करना होगा। और वाकई में दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि ऋषभ पूरी तरीका से अब वो खड़ा हुआ नजर आने वाला है, वो रूप देखने को मिलेगा अर्जुन का बहुत गंदा, क्योंकि अर्जुन को धिंगा मुस्ती ऋषभ पिन करने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दोनों के बीच में कितना ज़्यादा कलेश है। वहीं एक बार फिर से अंजलि अर्जुन से बोलती हुई नजर आने वाली है कि अर्जुन सावधानी के साथ में करो, क्योंकि लूतराज तो मैं किसी भी तरीका से बीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इधर समीर बोलता हुआ नजर आएगा ऋषभ से कि ऋषभ भाई बहुत हुआ, अब अर्जुन का हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा परमानेंट, जो ऋषभ से बोलता हुआ नजर आएगा समीर, और उसके बाद में ऋषभ बोलेगा समीर से कि हाँ इसका ऐसा जुगाड़ कर देंगे कि हमेशा हमेशा के लिए ये लूतराज को याद रखेगा। हालांकि दोस्तों इतना बता देना चाहता हूँ कि शादी तो कंफर्म हो चुकी है कि 5 दिन के बाद में पक्का शादी ही हो जाएगी, क्योंकि अर्जुन और प्रीता की शादी होने जा रही है। वहीं प्रीता बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही है कि आखिरकार ये जर्नी कैसी होने वाली है, क्योंकि अर्जुन के दिल में एक अलग आग है, क्योंकि वो अपना बदले की आग में तड़प रहा है, बदले की आग में किसी भी तरीका से वो बदला लेना चाहता है, और बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।